सिलेक्टेड है। वो तो बाद की बात है, हालांकि पहली बार सेंटर था, अच्छा व्यवस्था था और प्रश्न जो है ना चलता फिरता प्रश्न में। इस बार काफी फेयर एग्जाम हुआ है और आई थिंक सही होना चाहिए। कहाँ से थे, कुछ आइडिया है? हाँ, करेंट से क्वेश्चन काफी अच्छे थे। कैसे आप खड़े हैं यहाँ पर, कैसा माहौल था स्कूल में? स्कूल का तो बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन दूर के कैंडिडेट का थोड़ा सा दूर है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ आने जाने में। कहाँ से आप आए थे? हम तो समस्तीपुर से। समस्तीपुर। क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, हिस्ट्री से और साइंस से भी अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा इसमें था कि गूगल ट्रांसलेट क्वेश्चन था। नहीं नहीं है, अब लेख जो करेगा वो कर ही नहीं सकता है, सब पुख्ता इंतजाम था, जैमर था, मोबाइल सबका, ना ऑफिसर के पास ना टीचर के पास। यहाँ पर पेपर ठीक रहा, कुछ सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था। पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले पेपर लगभग बराबर ही था। कितना अटेम्प्ट है? मतलब पूरा कर रहे हैं। पूरा कर दिए हैं, क्या लग रहा है इस बार क्लियर हो जाएगा आपका? यस सर, मतलब उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो अनुमंडल में, पीरो अनुमंडल के आरएलएस पब्लिक स्कूल पर हैं। और आप सबको हम बता देना चाहते हैं कि आज जो बीपीएससी का जो 67th प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, कंडक्ट हो गया है अभी तक। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था 12 बजे से लेकर 2 बजे तक था। और यहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि 807 पोस्ट पर जो है बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है आज हुआ है। और बिहार में 1153 जो है सेंटर बनाए गए हैं, जैसे ही एक ऐसे ही सेंटर पर हम आए हुए हैं जिस सेंटर का नाम है आरएस पब्लिक स्कूल। हम बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं निकल रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से एग्ज़ाम दिए हैं। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है? मुन्ना कुमार। कहाँ से हैं? बिहार से थे, आरएस। अच्छा, कैसा एग्ज़ाम गया है आपका? अच्छा गया है, लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन बताइए जो मतलब याद है। नहीं, क्वेश्चन तो एक थे। हाँ, क्या बोलते हैं, क्या लग रहा है इस बार क्लियर हो जाएगा आपका? लग रहा है, पर अभी क्वेश्चन कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा। समझ गए, ऐसा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा क्वेश्चन था। हाँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है? सर मेरा पुनीता नाम है। और एग्ज़ाम हुआ है जो बीपीएससी का, जो कितना अटेम्प्ट है? मतलब पूरा कर रहे हैं। पूरा कर दिए हैं, क्या लग रहा है इस बार क्लियर हो जाएगा आपका? यस सर, मतलब उम्मीद है, अब पता नहीं। पिछले बार तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, क्या लग रहा है इस बार आप एग्जाम दिए हैं सही से, हर जगह सही से हुआ? सही से हुआ है। धन्यवाद। और बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर? चंदन चंचल। कहाँ से आए हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय जिले से आप आए हुए हैं और आरा जिले में पहुँच गए हैं। और आप बताइए कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर? पेपर ठीक रहा, कुछ सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था। पहले के मुकाबले पेपर लगभग बराबर ही था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ना। अच्छा, पहले एग्जाम दिए थे जो ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था? हाँ दिए थे। कैसा लगा था एग्जाम पेपर लीक हो गया था, एग्जाम आप लोग दिए हुए थे? बहुत मायूस हुए थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि अब जाके मिलाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कितना स्कोर हो रहा है। कॉन्फिडेंस है कि निकल जाएगा? अब क्या कहें, अभी अब अंदर आयोग में क्या चल रहा है क्या पता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? प्रभात। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं बाबा धाम देवघर से। देवघर से आए हैं। माहौल था, माहौल एकदम टाइट, फेयर एग्जाम हुआ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ। पिछले बार तो नहीं ना, पहले जैसे क्वेश्चन लीक हो गया था, और आज के समय में जो एग्जाम, अब संभावना ही नहीं है। नहीं, अब लीक जो करेगा वो कर ही नहीं सकता है, सब पुख्ता इंतजाम था, जैमर था, मोबाइल सबका, ना ऑफिसर के पास, ना टीचर के पास, ना विद्यार्थी के पास। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट तो टोटल कर दिए हैं, 150 में 150। 150 कर दिए हैं? हाँ। चलिए, पूरा इरादा है इस बार क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, इरादा क्या पक्का है? पक्का इरादा। हाँ। पक्का है कि क्लियर होगा इस बार? हाँ। और भी हैं स्टूडेंट, क्या नाम है अभी आपका? अमित कुमार। कितने अटेम्प्ट अभी एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर? अभी 120 क्वेश्चन किया है। पहले कितने बार एग्जाम दे चुके हैं आप? इस सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है। पहले जो एग्जाम आपका एग्जाम दिए हुए थे, वो क्वेश्चन पेपर लिखे हुआ था, उसमें एग्जाम दिए थे? हाँ। तो पहला बार एग्जाम दिए हुए थे और दूसरा बार एग्जाम दे रहे हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है आपका, कैसा लग रहा है अभी? कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन? 120। 120 जी। अच्छा, कैसा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से आया था? क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, हिस्ट्री से और साइंस से भी अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा इसमें था कि गूगल ट्रांसलेट क्वेश्चन था। हाँ, बट थोड़ा सा वही होता है ना, क्वेश्चन कुछ याद वगैरह है तो। क्वेश्चन एक था ये,
क्वेश्चन है याद क्वेश्चन अच्छा चलिए क्वेश्चन पेपर तो हाथ में लिए हुए हैं हाँ देख रहे हैं और बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी बोल रहे हैं कि 120 अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी ये जो बीपीएससी जो 67 प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था और माहौल कैसा था सेंटर में अच्छा शांति था हाँ सही व्यवस्था अच्छा ढंग से हो गया और भी हैं स्टूडेंट उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या नाम है भैया रोशन सिंह कैसा एग्जाम गया है आपका कैसा अच्छा ही गया है पिछले बार एग्जाम दिए थे हाँ दिए थे पिछले बार एग्जाम दिए थे उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था क्या लग रहा है इस बार पिछले बार से तो सही बहुत अच्छा व्यवस्था था अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर पीरो अनुमंडल में पहली बार एग्जाम हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर आरएलएस पब्लिक स्कूल के पास हम आए हुए हैं और जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर कैसा माहौल था स्कूल में स्कूल का तो बहुत अच्छा माहौल था लेकिन दूर के कैंडिडेट का थोड़ा सा दूर है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ आने जाने में कहाँ से आप आए थे हम तो समस्तीपुर से समस्तीपुर से क्या इस बार लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा वो तो हमेशा लगता है वो हो जाए उसके बाद ना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो पता चल रहा होगा ना एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा किया जाता है मतलब 150 करता है सब हाँ कुछ तुक्का मारना कुछ जो आता है कि ये बाद बाकी तुक्का लगता है अच्छा ये मतलब जितना आया उतना लिखने के बाद फिर तुक्का लगाए कुछ क्वेश्चन लगाने नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा करना पड़ता है ना पूरा करना ही चाहिए ठीक है धन्यवाद यस क्या नाम है सर तरुण कहाँ से आए हैं देवघर देवघर जिला से सुप्रिया कहाँ से आई हैं एग्जाम देने पटना पटना से कैसा एग्जाम हुआ है इस बार अच्छा एग्जाम है क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं कितने अटेम्प्ट है आपका ये जो सेकंड अटेम्प्ट है 61 का ये रे एग्जाम जो हुआ तो फर्स्ट मतलब सेकंड इसको काउंट कर रहा हूं पिछले बार कैसा एग्जाम हुआ था आपका कैसा अच्छा गया था मेरा रिजल्ट भी तो फिर ये नहीं आ पाया था फिर क्वेश्चन लीक हो गया था क्या इस बार लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन नहीं लिखोगा और आप क्लियर कर नहीं इस बार काफी फेयर एग्जाम हुआ है और आई थिंक सही होना चाहिए कहाँ से थे कुछ आइडिया है हाँ करेंट से क्वेश्चंस काफी अच्छे थे करेंट अफेयर्स के थोड़ा सा मेरे को मेरा साइंस बैकग्राउंड थोड़ा सा यू नो तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आई अदरवाइज क्वेश्चंस अच्छे थे करेंट्स और हिस्ट्री भी काफी अच्छे थे अटेम्प्ट कितना किए हैं आप मैंने पूरा अटेम्प्ट किया 150 लग रहा है क्लियर हो जाएगा होप सो आने में कोई दिक्कत है यहाँ पर माहौल कैसा था एग्जाम में सही था माहौल ठीक था पहली बार यहाँ पर एग्जाम हो रहा है हाँ फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ हाँ धन्यवाद हैं जो कि अभी बीपीएससी का जो एग्जाम चल रहा था आरएलएस पब्लिक स्कूल में तो इनसे जानते हैं कैसा माहौल था जो कि अभी 1153 जो सेंटर बनाए गए थे हमारे बिहार राज्य में और 807 पोस्ट थे तो क्या लग रहा है कि 807 पोस्ट में आपका एक जो पोस्ट है वो तो बाद की बात है हालांकि पहली बार सेंटर था अच्छा व्यवस्था था और प्रश्न जो है ना चलता फिरता प्रश्न मैक्सिमम था केवल इकोनॉमिक्स से जो था करंट अफेयर में वो सवाल थोड़ा सा टफ था में ज़्यादा टफ बाकी बहुत अच्छा सवाल इस बार दिया गया और हम लोग समस्तीपुर से हम आए हैं अच्छा समस्तीपुर से हैं बिल्कुल तो इस बार का अनुभव बहुत अच्छा रहा इसलिए भी आए कि चलो व्यवस्था बात चूँकि लीक हुआ था इस बार चुस्त दुरुस्त रहेगा तो ओरिजिनल मतलब कट ऑफ जाएगा सही जाएगा बिल्कुल 110 से ऊपर की संभावना है अटेम्प्ट कितना किए हैं इसमें अटेम्प्ट क्या करना है क्योंकि नेगेटिव मार्क है नहीं तो 150 के 150 रंगे थे लग रहा है कि एकदम बहुत अच्छा रहा माहौल सही था ना स्कूल हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहली बार तो यहाँ पर एग्जाम हो रहा था व्यवस्था अच्छा है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी आने जाने में दिक्कत यहाँ पर दिक्कत ठीक है धन्यवाद एग्जाम सेंटर से क्या नाम है सर आपका दिनेश कुमार कहाँ से हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद से हैं कैसा एग्जाम गया है सही था सही गया है तैयारी कहाँ से करते हैं तैयारी तो घर ही पर कर रहे हैं घर से अभी वर्तमान में घर पर कर रहे हैं पहले हम पटना ही पढ़े थे सेल्फ स्टडी वगैरह और भी सिर्फ घर ही पर हो रहा सेल्फ स्टडी के बाद कोई बुक वगैरह कौन सा बुक से मतलब तैयारी करते हैं बुक तो बहुत ऐसा है कि एब्लूसेंट है फिर एडिटेरिया का है ये सब बहुत से है क्या लग रहा है इस बार क्लियर हो जाएगा इस बार अब जाके मिलाएंगे कितना नंबर आ रहा था ना बताएंगे कितना अटेम्प्ट हुआ है आपका ऐसे तो 140 मारे हैं 150 क्वेश्चन धन्यवाद और हम आए हुए थे ऐसे ही जो कि पीरो नगर परिषद में और यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था जो कि आरएलएस पब्लिक स्कूल में
और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश किए हैं किस तरह से एग्ज़ाम दिए हैं वे लोग, और जानने की कोशिश किए हैं कि पहली बार जो कि पीरो अनुमंडल में जो कि एग्ज़ाम सेंटर बना था जो कि 67 प्रीलिम्स जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, और आपको बता देना चाहते हैं कि 1153 जो सेंटर हैं बिहार में बनाए गए हैं और 807 पोस्ट पर ये एग्ज़ाम हो रहा था और एग्ज़ाम कम्प्लीट हो चुका है। और देखते हैं किस तरह से एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा मैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद। Thank you.